माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते, प्रणाम। बहुत सौभाग्य की बात है ये, प्रणाम सर, बहुत सौभाग्य, प्रणाम प्रणाम सर, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आपसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है सर। मैं वर्षा रानी बीजेपी कार्यकर्ता के साथ साथ सोलर चरखा में दवादा केंदुआ के बगल में केंदुआ गांव में प्रशिक्षण देने का काम करती हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात है। क्या शुभ नाम बताया आपका? जी वर्षा रानी। वर्षा रानी जी हाँ बताइए जी। केंदुआ सोलर चरखा में प्रशिक्षण देने का काम करती हूँ जी। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम महिलाओं के लिए काम करते हैं। महिला भी हमसे ज्यादा खुशी है महिलाओं को कि गांव की महिला आज 5 से 10 हजार रुपया घर बैठे महिला कमा रही है। ये सबसे नवादा जिला के लिए सौभाग्य की बात है। सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात ये है सर कि ये आपका और सांसद महोदय का बहुत बड़ा योगदान है नवादा जिला के लिए। मेरा प्रश्न है सर कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपका 17 सितंबर को जन्मदिन है, तो उसमें आप क्या उस दिन आप जन्मदिन के दिन कैसे मनाइएगा 17 सितंबर को, और हम सभी कार्यकर्ता किस तरह आपका जन्मदिन मनाएंगे सर? क्वेश्चन। देखिए वर्षा रानी जी, जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बना था तब तक मुझे पता ही नहीं था जन्मदिन कब आता है कब जाता है, और न ही मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ कि आज जन्मदिन मनाए जाते हो, और इसलिए कभी भी आदत ही नहीं रही जन्मदिन को याद करने की, जन्मदिन को मनाने की। लेकिन अब दुनिया का रिवाज ऐसा है, इस पद पर पहुंच गए तो इसकी जरा चर्चा भी हो जाती है, लेकिन मैं स्वयं इससे दूर रहने का भरपूर प्रयास करता हूं, मैं उससे जुड़ता नहीं हूं। लेकिन आप सचमुच में जन्मदिन मनाना चाहती हैं क्या वर्षा जी? आप सब कार्यकर्ता मनाना चाहते हैं? सब कार्यकर्ता आज जितने मुझे सुन रहे सब मनाना चाहते हैं? तो एक काम कीजिए, चलिए एक काम करेंगे जी सर, उस दिन आपके गांव में 17 सितंबर को जिस बच्चा या बच्ची का जन्म हो, इस 17 सितंबर को आप स्पेशली उस परिवार को मिलने जाए, अस्पताल जाए, एक पुष्प फुला गुलाब का फूल दें और उनको शुभकामनाएं दें कि देखिए आपका 17 सितंबर को जन्मदिन है और देश के प्रधानमंत्री का भी आज जन्मदिन है। उस गरीब माँ को अपना बेटा 17 सितंबर को जन्मा है और ये प्रधानमंत्री की जन्म तारीख है, उस माँ को जीवन भर याद रहेगा कि मुझे मेरे बच्चे को बड़ा बनाना है। ये कर सकते हैं? दूसरा काम कर सकते हैं, अगर आप आपके गांव में सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो क्या किसी ने किसी का 17 सितंबर को जन्म हुआ होगा, क्या ढूंढ करके जिनका 17 सितंबर को जन्म हुआ है ऐसे लोगों को ढूंढ करके स्कूल में जाकर के अगर आप पुराने कपड़े पहनेंगे तो जन्म तारीख मिल जाएगी। जितने 17 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं, कोई 80 साल का हो गया होगा, कोई 50 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, 17 सितंबर को जन्मे हुए सबको इकट्ठा करो और सबका अभिनंदन करो, वही मेरा अभिनंदन है। करेंगे? यस सर। हमें ये वीआईपी कल्चर खत्म करना है।
ध्यान में रखो 17 सितंबर को जन्मे हुए सबका जन्मदिन मनाए, बस वही जन्मदिन हो गया। करेंगे।